भोलेनाथ के दर्शन हमें हो चुके हैं। देख सकते हो अभी भाई मंदिर खुला हुआ नहीं है। यही सब हम लोग चढ़ाएंगे। कहाँ पर? सुबह के अभी भाई 5 बज रहे हैं, 5, और अभी हम लोग निकल गुरुर साक्षा। अभी हम लोग रास्ते में, और देखो भाई भोलेनाथ के दर्शन हमें हो चुके हैं। देख रो भाई, थोड़ा फ्लैश मारो, ये देखो भाई क्या भयंकर लग रहा है। भाई क्या भयंकर देख रहे हो, भाई क्या भयंकर हो रखा है। मतलब बस 3 किलोमीटर बचा, उससे पहले हमको भोलेनाथ के दर्शन हो गए। भगवान भोलेनाथ की जय। स्टिल अभी तक हम पहुंचे नहीं है, रात का टाइम हो गया अभी 8:21, 8:30। सोच सकते हो कितना मुश्किल ट्रैक है। मतलब देखने में तो हर चीज़ अच्छी लगती है, मतलब जब ग्राउंड लेवल पर आके चलते हैं तो पता चलता है। मतलब रात को हमें देख भी नहीं रहा लोकेशन कैसी है, अब सुबह जाके पता चलेगा कि कितना सुंदर है। मतलब जितना हम चले हैं वो वर्थ इट है कि नहीं। बट हालत एक होता ना स्केल 1, 2, 3, तो ये माइनस से नीचे चले गया। भाई के पैर पूरे कांपने लग गए। अब देखो अभी हमें भाई बताएंगे थोड़ा आगे। तो पहुंच चुके हैं हम लोग मधमेश्वर में। अब जो खुशी है ना भाई, वो बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही खूबसूरत। वैसे मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन इस बार का लेवल अलग, इस बार का एडवेंचर अलग, इस बार की वाइब्स अलग। क्योंकि नाइट टाइम था और लगभग हम लोग 3 किलोमीटर अंदर भाई अंधेरे में चले। एक बार दिखा दो फर्स्ट व्यू ऑफ मधमेश्वर। देख रहे हो भाई आप, सिर्फ अभी आपको लाइटें दिख रही होंगी चमकती हुई। ये यहाँ के भाई होम स्टेज हैं, जो यहीं के गाँव वालों के हैं, और क्या खूबसूरत दिख रहा है। अब देख रहे हो आप लोग, तो फर्स्ट व्यू ऑफ मधमेश्वर, बाबा मधमेश्वर। और सुबह के अभी भाई 5 बज रहे हैं, 5, और अभी हम लोग निकल रहे हैं बूढ़ा मधमेश्वर जी के लिए। और सनराइज़ हम लोग देखने वाले हैं आज यहाँ से, क्या खूबसूरत दिखता है। क्योंकि जैसे उसके ठीक सामने चौखंबा जो पर्वत है ना, वो दिखता है भाई, जो फर्स्ट सूर्य की किरण होती है वहीं पे दिखती है। और अभी हम लोग भाई उठ चुके हैं सुबह 4 बजे से, और नींद तो ऐसा हर किसी को आई नहीं, थोड़ा बहुत हर सब ने पावर नैप ली है, क्योंकि सबके पैरों पर दर्द है। मंजीत भाई की तो बहुत बुरी हालत है ना, मंजीत भाई को नींद नहीं आई। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, देख सकते हो अभी भाई मंदिर खुला हुआ नहीं है, इसी वजह से भाई हम लोग बूढ़ा मधमेश्वर के लिए चल रहे हैं। क्योंकि भाई मंदिर जो खुलता है वो खुलता है 6 बजे करीब। और देख सकते हो ये पूरी बाउंड्री है, यहाँ से आगे आप लोग भाई एंटर नहीं कर सकते हो। तो हम लोग जा रहे हैं उस साइड को, हल्के हल्के आपको रोशनी दिखे ना दिखे, लेकिन दिख रही होगी। तो पहुँच चुके हैं हम लोग बूढ़ा मधमेश्वर, और फर्स्ट व्यू ऑफ बूढ़ा मधमेश्वर हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखो भाई क्या खूबसूरत, देखो जस्ट पीछे चौखंबा, और ये बूढ़ा मधमेश्वर का मंदिर, और इस साइड पे भाई बहुत प्यारे प्यारे से ताल देख रहा हूँ दोनों साइड से, क्या खूबसूरत सा लग रहा है। तो अभी हम लोग शॉट ले रहे हैं, चलते हैं। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो देखा आपने किस प्रकार से भाई बूढ़ा मधमेश्वर की खूबसूरती नजर आती है, सनराइज आप लोगों ने देखा। और देखो क्या अच्छा हमारा किस्मत है कि देखो हमारे टाइम पे ना पूरा एकदम क्लीन था, और देखो अभी सडन भाई यहाँ पे मौसम चेंज हो गया। तो यहाँ पे भाई मौसम हर एक सेकंड में चेंज होता रहता है। और पीछे देखो क्या खूबसूरत सा जो मंदिर दिख रहा है बूढ़ा मधमेश्वर, और जस्ट के पीछे चौखंबा आप लोगों को दिख रहा है। और यही नज़ारे देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद सबसे बेस्ट टाइम वैसे है अगस्त सितंबर, तो इसी समय आप लोग आए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। पीछे आप लोगों को पूरा स्नो वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, बहुत ही बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं बहुत दूर दूर से, और क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो सच में यहाँ पहुँच कर जो खूबसूरती है ना, वो 4 चांद लगा देती है। तो आप लोग भी पहुँच रहे हो ना यहाँ पे, तो बूढ़ा मधमेश्वर ज़रूर आइए, ज़्यादा दूर है नहीं, मधमेश्वर से 1 किलोमीटर का है। अभी हम लोग वापसी कर रहे हैं, और भाई मैं आप लोगों को यहाँ का एक बहुत खूबसूरत सा एक भाई किस्सा बताता हूँ, यहाँ एक मोमेंट शेयर करता हूँ अपना, कि इस जगह पर आप जब आओगे ना, तो 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए आप लोग शांति से बैठोगे ना, तो सारी टेंशन दूर, सारा दर्द दूर। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचाते हैं और चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं होता कि क्या है क्या नहीं, और क्या ही बताएं।
क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि भाई बहुत अलग अलग नज़ारे दिखते हैं यहाँ पर, बहुत चीज़ें आप लोग को भाई कैप्चर कर सकते हो अपनी आँखों में, फ़ोन में उतनी चीज़ें कैप्चर नहीं हो सकते जितने आप अपनी आँखों में कर सकते। तो यही एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है यहाँ का, और इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा एक न बार, एक न एक बार तो आपको ज़रूर आना पड़ेगा यहाँ। तो नीचे तो हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके, बट बहुत ही खूबसूरत सा मुझे दृश्य नज़र आया, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये है वो दृश्य खूबसूरत सा, देख रहे हो यहाँ से मधुमेश्वर भाई बहुत ही अलग व्यू से देखते, बोलते ना कि बर्ड एंगल से दिखता है, तो वही दिख रहा है अभी, देख सकते हो आप लोग बर्ड व्यू के, तो यहाँ से बहुत अलग दिखता है। और भाई जो मधुमेश्वर का मंदिर है ना वो मतलब थोड़ा डाउन पे है, और जितने भी मतलब पंच केदार के मंदिर हैं वो सारे अप हिल पे हैं, समझ रहे हो, मतलब जैसे यहाँ पर पहुँचोगे तो ये डाउन पे है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अलग दिखता है इसका स्ट्रक्चर सब कुछ। तो हो चुके हैं हम लोग नहा धो के रेडी, प्रसाद घर से लेके आ रखे हैं देख सकते हो आप, और यही सब हम लोग चढ़ाएंगे कहाँ पर, भगवान जी के दर पे। और भाई बहुत ही अच्छी व्यवस्था जहाँ पे हम लोग रुके हैं, ये है हिमांशु भाई का होम स्टे, बहुत ही खूबसूरत सा है भाई, भाई जाते हो आपको दिखाऊंगा मैं, और सारी व्यवस्थाएँ भाई यहाँ तक कि भाई नहाने के लिए गर्म पानी भी। तो हो चुके हैं हम लोगों के दर्शन भगवान मधुमेश्वर जी के, और भाई बहुत ही प्यारे तरीके से दर्शन हुए। और सच बताऊँ मैं, मतलब अब पंच केदारों में से सिर्फ दो या तीन केदार है जहाँ पे बहुत तसल्ली से ही भाई एकदम दर्शन होते हैं और पूजा होती है, तो उनमें से एक भगवान मधुमेश्वर जी भी है। और अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए जाते हैं हिमांशु भाई के होटल पर, तो वहीं पर भाई कुछ खा पी लेंगे, फिर उसके बाद निकलते हैं वापसी, क्योंकि भाई आज मैं ही वापस ही डाउन लेना है, और देखते हैं कोपेश्वर तक हम लोग निकल पाते हैं कि नहीं, मंजीत भाई की हालत पे देखते। तो अभी हम लोग कर रहे हैं वापसी, और जो हमारे होम स्टे की व्यवस्था थी वो थी यहाँ पर, देख सकते हो भाई हमारे भाई साहब को बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे भाई होम स्टे। हिमांशु भाई देखो यहीं पर आपको छः के छः महीने देखने को मिलेंगे। हिमांशु भाई बाय बाय, देखो बिल मिलेंगे। हिमांशु भाई ऑलवेज भी भाई मतलब मस्त आदमी, मैं अभी दूसरी बार आ चुका हूँ यहाँ पे, तो दोनों बार उनके साथ ही रहना खाना पीना सब होता है मेरा, और भाई सबसे रीजनेबल प्राइसेस हैं और अकॉर्डिंगली और प्लेसेस के, तो आपको तो सबसे स्पेशल इंसान से मैं मिलाना भूल गया इस पूरे रास्ते में, जो मतलब इस क्षेत्र में आके ना मतलब मेरी बहुत हेल्प आउट करता है, जो मेरा क्लासमेट भी रह चुका है कॉलेज टाइम पे, वो है थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो हम चल रहे हैं धीरे धीरे, और ये देखो ये पूरा आप लोग देख सकते हो, तो ये पूरी मधुमेश्वर जी किस तरीके देख सकते हो, क्या मस्त आ गया। देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै। प्यारी यात्रा है पूरा, आप लोगों को ये पूरा ब्लॉग कैसा लगा आपको बताएं, और मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई किस समय मधुमेश्वर आना बेटर रहेगा और किस समय हम लोग आ सकते हैं, यानी मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग भाई अभी नवंबर तक आ सकते हैं, मतलब दिवाली तक आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग का भी कोई भी डेट फिक्स नहीं है, आप लोग नवंबर तक भाई मधुमेश्वर की यात्रा कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पूरा यात्रा है, पूरे सफर है बहुत ही मज़ेदार। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं ऐसे ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। आत्मा शिव जीव शिवादन्न।